हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल और विधायक गोपाल कांडा की मुलाकात हुई। इस दौरान विधायक गोपाल कांडा ने सीएम से सिरसा के विकास को लेकर चर्चा की, मुख्य रूप से हलके के थेहड़ का मसला उठाया। साथ ही पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने कहा कि मैंने इस सरकार को समर्थन दिया है और मैं सरकार के साथ हूं। एचएलपी अध्यक्ष और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने जनता के कई मसलों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। पूर्व मंत्री ने थेड़ की समस्या को लेकर सीएम से चर्चा भी की। बताया कि ये 31.5 एकड़ भूमि थी जिसे 2006 में डीसी ने अप्रूव भी किया था, लेकिन बाद में नई समस्या आ गई। उधर थेड़ मसले पर हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने कहा कि असली थेहड़ तो 31.5 एकड़ का था जिसे खाली करवा लिया गया। वहां पर बसे 753 परिवारों को सेक्टर 19 की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में विस्थापित किया गया। अब जिस थेहड़ को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं, वो थेहड़ नहीं है बल्कि थेहड़ के आसपास बसा मोहल्ला है। उन्होंने बताया कि 2 डीसी ने पूरे इलाके को थेहड़ बताते हुए कोर्ट में शपथ पत्र दिया है और बताया कि थेहड़ में करीब 3000 परिवार रहते हैं। गोविंद कांडा ने कहा कि डीसी ने थेहड़ के बारे में गलत रिपोर्ट देकर कोर्ट को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि गलत रिपोर्ट देने वाले दोनों डीसी के खिलाफ याचिका दायर की जाए। साथ ही जोर देकर ये भी कहा कि थेहड़ वासियों को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। थेहड़ का मसला था, 2 दिन बाद तारीख है, उसके बारे में साहब को बताया मैंने कि ये 31.5 एकड़ भूमि थी 2006 में जो कि डीसी ने लिख के दिया था, इस पर अप्रूव हुआ था। ये बाय मिस्टेक दोबारा से कोई एफिडेविट आ गया 2010 में 12 में कि ये ज़मीन ज़्यादा है, जबकि 31.5 एकड़ ज़मीन खाली हो चुकी और उन लोगों को मकान भी दिए जा चुके हैं, वो फ्लैटों में रह रहे हैं। और अब जो थेड़ मोहल्ला है पूरा, उसको थेड़ नहीं माना जाए, वही कोर्ट के अंदर हमने प्ली ली है। वही साहब को मैंने बताया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। पिछले कई दिनों से सीआईडी मामले को लेकर बड़ा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच सीआईडी मामले को लेकर एचएलपी अध्यक्ष और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि सीएम और गृह मंत्री में कोई फर्क नहीं होता, सीआईडी दोनों की होती है लेकिन सारे डिपार्टमेंट सीएम के होते हैं। मुख्यमंत्री और मिनिस्टर में कोई फर्क नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, सीआईडी दोनों की होती है और डिपार्टमेंट ठीक है, वे सारी मुख्यमंत्री के होते हैं, किसी और के पास है तो भी मुख्यमंत्री जी के हैं, तो आपस में मिलजुल के सरकारें चलती हैं। मैं नहीं समझता कि कोई डिपार्टमेंट किसी को दे दिया तो कोई वो उसका नाम नहीं होगा कि मेरा ही है, सब सरकार के ही है। गोपाल कांडा ने बलराज कुंडू मामले पर कहा कि वो क्यों नाराज है मालूम नहीं है, मैंने जैसे समर्थन दिया था वैसे ही मैं सरकार के साथ हूँ। जी क्यों नाराज है मुझे मालूम नहीं, मैंने तो जो जैसे समर्थन दिया था वैसे ही मैं सरकार के साथ हूँ। सरकार ने भी मेरे हर काम के लिए बोला हुआ है और कर रहे हैं, और अब भी आधा पौना घंटा में जो जो काम साहब को बताए, सभी अफसरों को सभी जगह फोन किए हैं और सब काम कर रहे हैं। तो मैं तो सिरसा के विकास के लिए, सिरसा की जनता ने वोट दिए उनके काम के लिए, मुझे तो चाहिए नहीं कुछ। वही विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा नगर पालिका का नया प्रधान बनाने को लेकर सीएम साहब को कहा जल्दी ही सिरसा को नया नगर पालिका चेयरमैन मिलेगा। साथ ही विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा की जनता से किए वादे को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है, कहा कि जनता ने जो वोट दिए हैं उनका काम करके एहसान उतारने का ये सही टाइम है और पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ। हरियाणा न्यूज़ के लिए मुकेश मंडल की रिपोर्ट।